हेलो विवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएसके एचपी के भी पालमपुर के बारे में। तो ये यूनिवर्सिटी आईसीआर के स्कोर कार्ड बेसिस पे अपना एडमिशन करवाती है। इसमें कुछ सीटें अदर स्टेट के लिए भी होता है और बाकी जो सीटें होती है वो हिमाचल डोमिसाइल के लिए होती है। अदर स्टेट का जो सीट होता है वो सेल्फ फाइनेंस सीट के अंतर्गत फिलअप किया जाता है। तो इसका रजिस्ट्रेशन बहुत पहले ही हो चुका था। हिमाचल वाले तो अप्लाई किए थे, कुछ स्टूडेंट अदर स्टेट वाले भी अप्लाई किए थे। तो यहाँ पे आपका एक अपडेट आया हुआ है, नोटिस फॉर अपडेटिंग स्लैश कम्प्लीटिंग ऑनलाइन अप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट सीयूटी आईसीआर यूजी 2023 इन्फॉर्मेशन फॉर एडमिशन टू बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। तो इसमें दो कोर्सेज के लिए एडमिशन होता है, एक एग्रीकल्चर और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए। तो जो भी स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन किए थे उनको बस आईसीआर का रैंक कार्ड अपडेट करना है पोर्टल पर लॉग इन करके। इसमें लिखा है, इट इज इन्फॉर्म टू ऑल कंसर्न कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर एडमिशन टू बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर प्रोग्राम और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम एट सी एस के एच पी के भी पालमपुर, यानी कि सी एस के हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर फॉर एकेडमिक सेशन 2022-23, दैट दे शैल हैव टू अपडेट स्लैश कंप्लीट हिज और हर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। और ये रहा यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। प्रोवाइडिंग दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू सीयूटी आईसीआर यूजी 12/11/23, आपके पास अभी 10 दिन का टाइम है। 10 दिन के अंदर आपको अपना रैंक कार्ड है, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट फिलअप करके रखा है उसको आप कम्प्लीट कर दे और अपना रैंक कार्ड को अपलोड कर दे। वहाँ पे आईसीआर का रैंक कार्ड रिलीज नहीं हुई थी तो सिर्फ यूनिवर्सिटी अपने रजिस्ट्रेशन करवा कर फॉर्म को क्लोज कर दी थी। ये वापस से आपका पोर्टल ओपन होगा और वहाँ पे आपको रैंक कार्ड और रैंक कार्ड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आपको अपडेट करना होगा। इसमें है रोल नंबर, रोल नंबर है एनटीए के द्वारा जो दिया गया था आपके एडमिट कार्ड के ऊपर, एप्लीकेशन नंबर, सब्जेक्ट ग्रुप आप किस ग्रुप से ट्वेल्थ पास आउट किए हैं, पीसीएम, पीसीबी, एबीसी, जो भी ग्रुप से आप पास आउट किए वहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपने 3 से ज्यादा सब्जेक्ट ग्रुप में एग्जाम दिए हो, सीबीटी का एग्जाम पीसीएमबी से दिए हो, इस सब्जेक्ट ग्रुप से आपका जो 3 सब्जेक्ट का बेस्ट परसेंटाइल स्कोर रहेगा वो आप वहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे लिखा है, बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट स्कोर परसेंटाइल इन सीबीटी आईसीआर यूजी 2023 अमंग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स एंड एग्रीकल्चर। ऑल इंडिया रैंक स्लैश ओवरऑल रैंक ओबटेन्ड बाय कैंडिडेट इन सीबीटी आईसीआर यूजी 2023 इफ अवेलेबल। और आपका आईसीआर भी रैंक कार्ड दे दिए तो आप अपना ऑल इंडिया रैंक भी वहाँ पे फिलअप कर दें। साथ ही साथ आपको आईसीआर का रैंक कार्ड भी अपलोड करना है जो आपको आईसीआर के द्वारा दिया गया था। और अगर आपने आईसीआर का रैंक कार्ड नहीं डाउनलोड कर पाए थे किसी वजह से तो आपके पास सीयूटी का परसेंटाइल स्कोर वाला जो रैंक कार्ड होगा वो आप अपलोड कर देंगे। उसमें कि आपने सीयूटी का जिस भी सब्जेक्ट से एग्जाम दिए हो उसी सब्जेक्ट ग्रुप से आपको यूनिवर्सिटी कंसीडर करेगी और उसी सब्जेक्ट ग्रुप के बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएगी। अगर आप इस डेडलाइन तक अपना सारा अपडेट नहीं करते हैं तो आपको काउंसिलिंग से बाहर कर देगी यूनिवर्सिटी। के बाद साथ ही साथ आपको जो भी आपका सर्टिफिकेट या जो भी आप अपलोड कर रहे हैं वो आपका इमेज फाइल में होना चाहिए, यानी कि जेपीजी में। तो ये था छोटा सा अपडेट। जो भी स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन किए थे वो अपना रैंक कार्ड, अगर आपके पास आईसीआर का रैंक कार्ड नहीं है तो आप एनटी के द्वारा जो दिया गया है परसेंटाइल स्कोर का जो कार्ड है वो आप अपलोड कर देंगे। साथ ही साथ अपना 3 सब्जेक्ट का बेस्ट परसेंटाइल स्कोर वहाँ पे फिलअप करेंगे। अगर आपके पास रैंक कार्ड भी रहेगा तो आप रैंक कार्ड भी वहाँ पे फिलअप कर देंगे, ऊपर एनटीए का, नीचे आईसीआर का, दोनों एक ही जेपीजी फाइल में अपलोड कर देंगे। 2 जेपीजी फाइल को कैसे एक में कन्वर्ट करते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पे जाके आप वर्टिकली आप 2 जेपीजी फाइल को सिंगल में कन्वर्ट करके अपलोड कर सकते हैं, या 2 में से किसी एक को भी अपलोड करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो जैसे ही आप सीएसकेएचपी के लिए पालमपुर का पोर्टल पे आएंगे, एडमिशन पे क्लिक करेंगे, एडमिशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर रजिस्टर्ड अप्लीकेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आने के बाद फिर नया पोर्टल ओपन हो जाएगा, यहाँ पर लॉगिन का सेक्शन दिख रहा होगा, लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपने मेल आईडी डाला था और पासवर्ड जो था आपको, आप मेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। अगर आपने भूल गया तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, मेल आईडी डालेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। वहाँ पे आपको एक ओटीपी वगैरह जाएगा, फिर उस ओटीपी से वेरीफाई करके वापस से अपने आप पासवर्ड बना लेंगे। इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 2 मंथ पहले क्लोज हो चुका है, तो जो लोग रजिस्ट्रेशन किए थे उन्हीं लोग के लिए है। आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जो भी आपका रैंक कार्ड है, डॉक्यूमेंट है, उसे आप अपडेट कर देंगे जेपीजी फाइल में। और अगर किसी तरह का दिक्कत आती है तो डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको आईसीआर 2023 में फ्री काउंसलिंग कराना चाहिए तो भी आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।